अस्सलामु अलैकुम। आज जुम्मा मुबारक है, मैं अबू धाबी में मुकीम हूँ। आज मैं आपको वो मस्जिद जहाँ हम रेगुलर नमाज पढ़ते हैं, कितनी खूबसूरत ये मस्जिदें बनाई गई हैं, आपको मस्जिद दिखाते हैं। और जुम्मे नमाज के बाद इंशाल्लाह आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, एक नहायत सबक आमोज किस्सा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। मेरा मोस्टली कंटेंट ऐसा है कि इंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह एक मंथ के बाद जो लिमिटेशंस हैं वो दूर हो जाएंगी और मैं आपको एक एडवेंचरस और एक बेहतरीन कंटेंट जो आपके पसंद करेंगे वो लाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आइए नमाज पढ़ने चलते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة जैसा कि मैंने कहा था कि जुम्मा नमाज के बाद मैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तो वो एक किस्सा सुनाता हूँ कि किसी ज़माने के अंदर एक बादशाह ने अपने तमाम आदमी को हुक्म दिया कि वो जाएं और पूरी दुनिया में तलाश करें कि दानिशमंदी किस चीज़ से सीखी जा सकती है। उसके आदमी पूरी दुनिया में फैल गए, उन्होंने कई हज़ार किताबें इकट्ठी की और बादशाह को बताया कि अगर वो इन तमाम किताबों को एक दफ़ा पढ़ ले, समझ ले, तो उनसे दानिशमंदी सीख सकता है। बादशाह ने कहा, इन किताबों को पढ़ने के लिए तो उम्र चाहिए और इतनी उम्र मेरे पास कहाँ और इतना वक्त कहाँ। तो आवाम वो आदमी फिर से लग गए और उन्होंने इन तमाम किताबों को सॉर्ट आउट करते हुए 100 ऐसी किताबें फाउंड आउट की कि जिनको पढ़ने से दानिशमंदी सीखी जा सकती थी। बादशाह ने कहा, नहीं, ये भी बहुत हैं। लोगों ने फिर 10 किताबें मुंतखब की। बादशाह मुतमईन नहीं हुआ। उन्होंने फिर एक किताब बताई। बादशाह ने कहा, और कम कर दो। उन्होंने फिर एक बाब, एक सफ़ा और हत्ता के एक पैराग्राफ तक निकाला। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे मज़ीद कम चाहिए। आखिरकार बादशाह के दानिशमंद लोगों ने बहुत सोच समझ कर एक जुमला मुंतखब किया और बादशाह से कहा कि लोग अगर इस जुमले को समझ जाएं तो वो दानिशमंदी सीख सकते हैं। वो जुमला ये है, देर इज़ नो फ्री लंच। इसका उर्दू में तर्जमा करूंगा, दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, खा करीब या नज़दीक। मेरा अपना मानना है कि ज़िंदगी के तीन हिस्से हैं, उनमें से दो हिस्से खुशहाल, एक हिस्सा मुश्किल में ज़रूर गुजरता है, वो मुश्किल किसी किस्म की भी हो सकती है। तो हमेशा खुशहाली की तवक्को ज़रूर रखें, लेकिन मेहनत करें। हमें जब ये लगने लगता है कि इस शख्स ने वो चीज़ या वो मकाम हासिल कर लिया या ही इज़ अर्निंग वेल, आजकल तो मेयार का तरीका ही यही है कि अर्निंग वेल, तो उसने ऐसे ही छप्पड़ फाड़ के मिल गया। नहीं भाइयों,
उस शख्स ने उसकी कीमत अदा की है। वो शायद कीमत आपको दिखाई नहीं देती, देखो उसमें उसकी मेहनत का बहुत बड़ा असर है। तो हमें ये चीज़ तस्लीम करने की ज़रूरत है, देयर इज़ नो फ्री लंच। आज जो भी शख्स खा बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल है, ये बिलीव कर लें कि उसने उसकी कीमत अदा की है या वो अदा कर रहा है। इस छोटे से पैगाम के साथ आज की वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड फॉर एवरी थिंग, फॉर ईच एंड एवरी पेनी यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर आपको इस चीज़ पर बिलीव है तो अपनी मेहनत करें और कुछ करके दिखाएं। इस पैगाम के साथ अल्लाह हाफिज़।